हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं वास्तु को लेकर, जिससे आप अपने घर के अपने ऑफिस के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। वो छोटे छोटे उपाय होते हैं हमारे हर वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आपके काम धंधे में बरकत आई है या कोई नज़र लग गई है, कोई छोटा मोटा टोना टोटका आपके ऊपर हुआ है या आपके काम धंधे पर हुआ है। तो इस प्रकार हर एक हमारी वीडियो के अंदर आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे कि आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करके अपने जीवन को सुखमय तरीके से जीने का प्रयास कर सकते हैं और आप अपने बुराइयों को दूर कर सकते हैं और अपनी इच्छा के विरुद्ध होने वाले कार्यों को भी रोक सकते हैं। तो हर एक वीडियो के माध्यम से हम आपको कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, यदि आपके हर एक कार्य में बाधा आ रही है, हर एक कार्य आपको लगता है कि यार मेरा कार्य तो शुरू होने से पहले ही डूबने के चांस हो जाते हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय दोस्तों, क्योंकि देखिए हर एक कार्य आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक को इंसान को अपने कार्य करने होते हैं। कोई किसी प्रकार कार्य करता है, कोई किसी प्रकार कार्य करता है, तो हर एक इंसान कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन उसके कार्य में रुकावट ऐसी आ जाती है, वही हमें तो वो क्लाइंट नहीं मिला, वही हमें तो ये नहीं मिला, वही हमें तो ये हो गया, हमें तो कुल मिला के आपके कार्य में बाधा आनी शुरू हो जाती है। तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। सुबह सुबह जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने कार्य के लेने के लिए, एक फूल आप गणपति महाराज को अवश्य चढ़ाएं। अगर आप मान लीजिए सुबह जल्दी में है, फूल नहीं चढ़ा पाए मंदिर में जाके, तो अपने घर पर ही घी का दिया अवश्य जलाएं और गणपति महाराज की आरती आप 3 बार अवश्य करें। दोस्तों, 3 बार आरती करेंगे तो आपके कार्य में, जिस भी कार्य में आप जा रहे हैं, उसमें कभी भी रुकावट नहीं होगी। फूल चढ़ाने से भी आपको बराबर का लाभ मिलेगा, 3 बार आरती करने से भी लाभ मिलेगा। और एक आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र होता है, लेकिन एक गणेश गायत्री होती है मंत्र, तो वो करने से भी आपको बराबर का पुण्य मिलता है, आपको बराबर का ही लाभ होता है, वह हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो यह एक छोटा सा उपाय हमने आपको बताया कि किस प्रकार आपके यदि हर एक कार्य में बाधा आ रही है, तो यह आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। फूल आप अगर गणपति महाराज को चढ़ाते हैं तो भी आपको सेम लाभ मिलेगा, बराबर का लाभ मिलेगा। और यदि आप गणेश जी की गायत्री मंत्र होता है वो अगर आप पढ़ते हैं 3 बारी, तो भी आपको बराबर का लाभ मिलेगा। और अगर आप गणेश जी की पूजा 3 बारी करते हैं तो भी आपको बराबर का लाभ मिलेगा। तो एक छोटा सा आइडिया हमने आपको बताया कि किस प्रकार अपनी बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और अपने कार्य को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और भी लोगों तक यह आइडिया पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद।